अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मार्केट से भी अच्छे बर्गर घर पर, जो हम बहुत आसानी से बनाएंगे, मेयोनीज डालकर बहुत हेल्दी होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं घर में आसानी से। कैसे तैयार करेंगे? बर्गर बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं। हमने टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज को मेन मेन काट लिया है। इसमें हम जो है आधा चम्मच जो है डालेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हम काली मिर्च डालेंगे, ये भी हाफ टी स्पून है। तो चलिए हम आपस में इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा, हम इसमें मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज में हमारी नमक है, इसलिए हम इसमें नमक नहीं ऐड कर रहे हैं। इसमें हम जो है मेयोनीज आप जितनी चाहे डालना चाहिए डाल सकते हैं। हम इसमें 5 चम्मच डालेंगे तो हमारी ये जो है मेयोनीज जो है बहुत अच्छे टेस्ट देती है इसको बर्गर में। आप इसमें किसी भी चीज़ में मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आज बर्गर बना रहे हैं उसमें डालेंगे। इस तरह इसको मिक्स करके रख देंगे। ये सब्ज़ियाँ हमारी कच्ची ही हैं, हमने 4 बन लिए हैं। इनको हमने काट के सेक लिया इस तरह से ताकि जल्दी हमारी जो है बर्गर तैयार हो जाए। तो हम सबसे पहले इसमें केचप लगाएंगे, 1 चम्मच लगाएंगे। जितना आप पसंद करते हो उस तरह से लगाइएगा। चलिए हमने केचप लगा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चिली सॉस भी लगाएंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए हमने कुछ सब्जियां जो शिमला मिर्च और टमाटर इस तरह से हमने काट लिए हैं, इसको भी हम इस पे रख देते हैं। इस तरह से सारे पीसेस सजा लेते हैं। सब पर हम प्याज के भी 1-1 पीस रख देंगे इसी तरह से। अब ये सब प्याज पर थोड़ा थोड़ा केचप और डाल देंगे। चलिए हमें टिक्की जो है इसको तैयार कर रखी थी, क्रिस्पी इसकी रेसिपी हम आपको बाद में देंगे। इस पर अब हम जो है ये हमने जो मिला के रखी थी मेयोनीज की सब्ज़ी है इस पर डाल देंगे। चलिए बंद के ऊपर हिस्से में जो है हम थोड़ा सा केचप लगा लेते हैं और केचप लगाने के बाद बाकी हम इसमें मेयोनीज लगा देंगे। बर्गर में हमने मेयोनीज और टमाटो सॉस, चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे देंगे। आप इसको तरीका बनाने का देख सकते हैं वहाँ पर। हमारे बर्गर बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली न्यू रेसिपी की वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलेंगे ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।